हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हार्ट शेप के नेक गले का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। और यह है ब्लाउज का कपड़ा और इसके ऊपर जो है वो नेट लगेगा, ये इसके ऊपर नेट लगेगा। और पहले यहाँ है, इसमें पहले गले की डिज़ाइन बना दिए हैं, उसके बाद में फिर नेट को इसके ऊपर अटैच करेंगे, तो वो नेट ब्लाउज कहलाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कटिंग करके बता रही हूँ। अब जैसे ये इसका जो गला है वो है 2.5 इंच, यहाँ से यहाँ पे ये इसका गला जो है वो 2.5 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच, है ना। ये तो इस नाप का इसमें बकरम में पहले कटिंग करेंगे। तो ये बकरम है, बकरम को ऐसा फोल्ड करेंगे, और यह है पेपर बकरम, और फिर इसके बाद में 5 इंच, वैसे 4 लेते हैं लेकिन ये गले की डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में आएगी इसलिए इसको 5 इंच लेते हैं। ये 5 इंच इसकी चौड़ाई हो गई। गले की चौड़ाई 5 इंच, लेकिन जो गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा है, ये वाला ये एक्स्ट्रा है बकरम। और यहाँ से इसकी जो लंबाई लेंगे इसको 10 इंच लेंगे, ये 10 इंच लेंगे, और यहाँ से भी उतना ही लेंगे, यहाँ से भी इसको 5 इंच कर देंगे ये, और फिर यहाँ से ये स्क्वायर बना लेंगे। अब यहाँ से यहाँ ये 10 इंच हुआ है, ठीक है। 10 इंच के साथ साथ में 1 इंच और नीचे, वो तो खैर जब ये कटिंग हो जाती है उसके बाद में यहाँ पे जितना आपको लेना उसके अनुसार वो हो जाता है, लेकिन 10 इंच का जो गला है उस गले के साथ साथ में यहाँ पे 5.5 इंच का ऐसा एक निशान लगाएंगे, और फिर यहाँ पे ये 10 इंच पे लगाएंगे ऐसा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में ऐसा लेके ये हो गया, यहाँ से ये आएगा 2.5 इंच, यहाँ से लेंगे 1/2 इंच इस साइड में और 1/2 इंच इस साइड में, यहाँ पे ये 1/2 इंच, ठीक है। तो ये जो चीज़ है अब यहाँ से इसको ऐसा जोड़ेंगे, ऐसा लिए फिर यहाँ पे लेके आएंगे ये वाले भाग में, यहाँ से ये, फिर ये जो है वो यहाँ जाएगा, फिर ये 1/2 इंच आया, इसको भी ऐसे उठाते हुए इसमें ये मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये कटिंग होगी और गला बनेगा ये वाला भाग। फिर यहाँ से 1 इंच और नीचे ले लेंगे, ये 1 इंच, फिर यहाँ पे 1 से 1.5 इंच जो हो जाता है वो है, और यहाँ से 1 से 1.5 इंच, तो ठीक है चलिए यहाँ भी 1 से 1.5 इंच यहाँ नीचे ले लेते हैं, ठीक है ऐसा। फिर इसके बाद में यहाँ से ऐसा इसको कट करेंगे, ऐसा कट करेंगे तो ही ये शेप बहुत अच्छे से बनता है, अगर इसको स्क्वायर रखेंगे तो वो चीज़ नहीं बनेगी। ये अब मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ आप, ये काटिए, और इसके बाद में यहाँ से फिर इसको फिर यहाँ से ये चीज़ ऐसे उठा के लेंगे तो डिज़ाइन बहुत अच्छी बनती है। ये है गले की डिज़ाइन। अब इसके साथ में अस्तर काटेंगे,
दस्तर को नहीं भी काटेंगे तो ऐसा पहले इसको जोड़ लेंगे, उसके बाद में कटिंग कर लेंगे। जो अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ, ये तो इसके पहले इसको यहाँ से ऐसा रख लेंगे। और ये जो 2.5 इंच लिए थे बीच का, 5 इंच चाहिए चाहिए, उसके अनुसार आप इसको जमा सकती हैं, उससे कम ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ ये लगाती है और यहाँ पे पिन अटैच कर दिए। यहाँ पिन अटैच कर लिए, यहाँ कर लिए, और उसके बाद में ये सेंटर में एक ऐसा, फिर एक एक यहाँ पे, ये हिलेगा नहीं तो डिज़ाइन अच्छे से बनेगी। अब इसको कट कर, अब मैं इसको सिल के दिखा रही हूँ, गले की डिजाइन आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ लाने के बाद में और फिर ऐसे इसको जो गले की डिज़ाइन है उसको घुमाते हैं, सीधे डायरेक्ट उसको गोल गोल नहीं करते। अभी सिर्फ ऐसे ही सिलाई लगाएंगे इसके किनारे से, और जब ब्लाउज में लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा नोक निकालेंगे ताकि डिज़ाइन अच्छे से बने। अब इसको ये सिलने के बाद में फिर इसको कट कर देंगे। अब इसके बाद ये ब्लाउज में अटैच करेंगे। ये जो गले का नाप था इसी नाप में इसको ये पिन लगा देंगे, और यहाँ ये जो सेंटर है यहाँ पे ये डिज़ाइन
यहाँ पे एक पिन यहाँ लगा देंगे। इसको खींचेंगे नहीं ज़्यादा, खींचेंगे तो लूज हो जाएगा। फिर दो पिन यहाँ, अब इसको लेते हुए और फिर यहां तक के लेके आएंगे। ऐसा ये कोना, क्योंकि ये कोना काटना पड़ेगा बाद में, और फिर यहां से फिर ऐसे। फिर यहां पे फिर एक कोना डालेंगे यहां, ऐसा वी शेप में, और फिर यहां से फिर ऐसा, फिर एक कोना यहां डालेंगे। ये यहां से कट कर देंगे। यहाँ पे इसको ये कोने में काटेंगे जो वी शेप का बना हुआ है, दोनों साइड। अब इसको ये डिज़ाइन, फिर इसमें एक प्रेस सिलाई लगा देंगे।
से इसको बाहर निकालते जाएंगे ताकि ये डिज़ाइन अच्छे से बाहर, नीचे का जो अस्तर है वो नहीं आना चाहिए। अब मैं इसके बाद में आपको नेट लगा के बताऊंगी। ये आपके गले की डिज़ाइन, अब इसमें मैं नेट आपको लगा के बता रही हूँ। ठीक है, ये नेट काट लिए हैं, अब इसको ऐसा आधा करेंगे यहाँ पे ऐसा ये रख लेंगे और फिर यहाँ पे ढाई इंच गला लेंगे और यहाँ पे एक इंच दो इंच ये रख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें नेट आपको पूरा दिखाना है। और इसके बाद में एक यही रख के एक छोटा सा नेट अलग से काट, ये हो जाएगा गले का। अभी मैं इसको सिल के बता रही हूँ। नेट है, नेट खसकता बहुत है, इसलिए इसको आराम से लगा के सिलिए।
पे कट जरूर लगाइएगा क्योंकि गोलाई रहती है ना, इसलिए। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक्स भी करिए, और साथ में कमेंट्स वगैरह जो भी हैं आपके, आप वो दे सकते हैं, उसका मैं आंसर आपको ज़रूर दूंगी। ये हो गया गले की डिज़ाइन के साथ में नेट लगा हुआ ब्लाउज़, और आगे का जो है वो आपको चाहे प्रिंसेस कट बनाना हो चाहे कटोरी वाला ब्लाउज़ बनाना है वो आपके ऊपर में है। बाकी पीछे की जो बैक डिज़ाइन है नेक की वो मैं आपको बता दी हूँ, और वैसे भी आप लोग पूछे थे ये डिज़ाइन आप हमको कब सिल के बता रही हैं, ठीक है, तो आपका आंसर मिल गया। जो चीज़ और आपको पूछना है, जो और सीखना है, तो वो और मैं आपको बता दूंगी। अब इसके बाद में ये पूरा अटैच कर देंगे।
ये आपका डिज़ाइन तैयार हो गया नेट पे। थैंक यू।